हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। दिहाड़ी मजदूरों का काम बंद हो गया है, जो दूसरे राज्यों में जाकर काम करते हैं उनकी हालत बेहद खराब है। कोई सवारी उन्हें नहीं मिल रही है, वो अपने घर लौटना चाहते हैं, अपने गांव पहुंचना चाहते हैं, तो इसलिए पैदल ही निकल पड़े हैं। उन्हें पता है कि कई सौ किलोमीटर उनको पैदल चलना पड़ेगा, लेकिन इसके सिवा उनके पास कोई चारा नहीं है। कई ऐसी तस्वीरें हमें देखने के लिए मिल रही हैं, जहां पलायन कर रहे लोगों को पुलिस के डंडे भी खाने को मिल रहे हैं। दिल्ली और गाजियाबाद से गुजरने वाले NH-24 पर भी ऐसे लोगों की भीड़ जाती हुई हमें दिखाई दी। एबीपी न्यूज संवाददाता प्रणय उपाध्याय ने हमें एक रिपोर्ट भेजी है, इस रिपोर्ट को देखिए आप। मुसीबत के बादल घिरते हैं तो कई बार सबसे ज्यादा तकलीफ उन्हें उठानी पड़ती है, जिनके पास सर छुपाने को जगह तक नहीं होती है। ऐसी ही हालत बहुत सारे लोगों की हो रही है, जो लॉकडाउन के कारण अपने घरों को जाने को मजबूर हैं और यहाँ पर बहुत सारे लोग पैदल ही निकल पड़े हैं। आज बारिश का मौसम है, बारिश हो रही है दिल्ली में, लेकिन यहाँ से NH-24 ये जो सड़क उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड तक आगे के कई शहरों को जोड़ती है, वहां पर इस तरह से बहुत सारे लोग आपको जाते हुए मिल जाएंगे। क्या नाम है आपका? राजकुमार सर। कहाँ जा रहे हैं? मैं बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में रसूलपुर बुलंद जा रहा हूँ, मेरा गाँव है। यहाँ से पैदल ही निकल पड़े? हाँ सर, पैदल ही जा रहा हूँ। क्यों, ऐसा क्यों, आप लोग पैदल क्यों जा रहे हैं? सर कोई सुविधा ही नहीं, इसलिए जा रहे हैं। लेकिन जब सरकार ने कहा है कि जो जहां है वहीं रहो, क्या रहने की कोई जगह नहीं है आपके पास? जी सर, पटरी पे सोते हैं। जी सर, मजबूरी है, ये बादलों में कहां पड़े रहे हैं सर। जी सर, क्या करें? पर सरकार कह रही है कि खाने का इंतजाम किया गया है, राशन दिया जाएगा। कोई चीज नहीं मिली है जी सर, हमारे लिए कोई चीज नहीं मिली है। 4 दिन हो गए तुम पे से पानी लेके पिया है हमने। जी सर, क्या उम्र है तुम्हारी? 18 साल। 18 साल है। और कहाँ जा रहे हो? बदायूं। बदायूं जाओगे? यहाँ से कितना किलोमीटर पड़ता है? 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर पैदल चल के जाओगे? कब चलना शुरू किया था? सुबह 10 बजे चलना शुरू किया था। तो अब यहाँ से कितना टाइम लगेगा बदायूं जाने में? परसों तक पहुँच पाएंगे सर, पैदल तो परसों पहुँच पाएंगे सर। परसों तक पहुँच जाएंगे, यानी करीब 3-4 दिन लगेगा पहुँचने में। तो कुछ ऐसी ही स्थिति यहाँ बहुत सारे लोगों की है जो कि इस रास्ते पे चले जा रहे हैं यहाँ से। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? आजमगढ़ जाएंगे। यहाँ दिल्ली में कहाँ रहते हैं? यहाँ वैशाली में रहते हैं। वैशाली में रहते हैं, गाजियाबाद में। और क्या काम करते हैं? पीओपी का काम करते हैं। लेकिन जब सरकार कह रही है कि आप वहीं रुकिए, जहाँ हैं वहीं रुकिए, इधर उधर बाहर मत निकलिए, तो फिर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है ना, खाने पीने के सामान नहीं है, क्या करेंगे आदमी, भूखे थोड़ी ना रहेगा यहाँ पे। कहा जा रहा है कि लोगों को खाना मुहैया कराया जाएगा, साथ कहना और करना अलग बात हो रही है ना। यहाँ पे हम लोग जब मरने लगेंगे तब कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे खाने के लिए? झुग्गी में रहने वाले वहाँ जी, झुग्गी में रहने वाले हैं, दिहाड़ी पे काम करते हैं यहाँ। अब दिहाड़ी नहीं लगा रहे हैं तो एक पैसे नहीं कहीं से आ रहे हैं, तो कैसे खाएंगे? किसी के साथ काम वाम करते हैं ठेकेदार, उसने कोई पैसे वैसे नहीं दिए? कुछ नहीं दिए, हमारा टोटल हिसाब दे दिया था, किसी का 1500 किसी का 1400 ऐसे निकला था। इतने दिन से खा रहे हैं, 200-400 रुपए बचे हैं, वो भी खा के खत्म कर देंगे, उसके बाद क्या करेंगे? कहाँ जा रहे हैं आप? आजमगढ़। आप भी आजमगढ़ जा रहे हैं? हाँ। तो यहाँ से कितना वक्त लगेगा पहुँचने में? अब जो भी लगे, मरने से तो अच्छा है, धीरे धीरे अपने घर की तरफ बढ़ेंगे। तो सरकार द्वारा कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए किए गए 21 दिन के लॉकडाउन के बाद अब तक दिल्ली और दूसरे राज्यों से आकर गाजियाबाद से अन्य शहरों को जाने वाले लोगों की भीड़ थमने का नाम नहीं ले रही है। हजारों की संख्या में लोग गाजियाबाद के रास्तों से दूसरे शहरों के लिए पैदल ही निकल पड़े हैं, जिनमें औरतें, बच्चे, बड़े, युवा सभी शामिल हैं। ये तस्वीरें देखिए और परेशानी का अंदाजा लगाइए। हालांकि सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है इन लोगों को मदद पहुंचाने की। लॉकडाउन के दौरान शहरों के बीच में फंसे मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए योगी सरकार ने बसों की व्यवस्था करने की बात कही थी। इसी उम्मीद में कई मजदूर आनंद विहार बस स्टैंड पर इंतजार भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई मदद उनके पास नहीं पहुंची है। हमारे संवाददाता नीरज राजपूत ने हमें एक रिपोर्ट भेजी है, वो आप देखिए। हम इस समय खड़े हैं आनंद विहार इलाके में, मेरे राइट हैंड पे नीचे रेलवे लाइन जा रही है, उस साइड रेलवे स्टेशन भी है आनंद विहार का, और आगे से लेफ्ट में मुड़ते ही बस स्टैंड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लंबी कतार लगी है लोगों के आने की, जो उत्तर प्रदेश के ही लोग ज़्यादातर बताए जा रहे हैं, शाहजहांपुर, बरेली और आसपास के इलाकों के हैं, और ये सब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आनंद विहार
रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड की तरफ, ताकि ये अपने घर की तरफ पहुंच सके। इनका कहना है कि शायद उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ बसेस चलाई है, इसलिए ये लोग लगातार चले आ रहे हैं। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? शाहजहांपुर जा रहे हैं। शाहजहांपुर जाना है, लेकिन सारी गाड़ियाँ और ट्रेन वगैरह तो सब बंद है? नहीं, ऐसा सुनने में आया कि शाहजहांपुर के लिए गाड़ियाँ बसें जो है चालू की गई हैं, तो उसी बेस पे हम लोग जा रहे हैं वहाँ। अगर नहीं मिलती है फिर पैदल ही निकलेंगे। नहीं तो अभी अभी कहाँ से आ रहे हैं इधर से? अभी हम लोग पुराने सीलमपुर से आ रहे हैं। क्या करते हैं आप लोग? वही सारे के सारे सिलाई लाइन के हैं, कोई फैब्रिक के? सारे लोग, आप सब लोग सिलाई लाइन से? सिलाई लाइन में काम करते हैं। सिलाई का काम है, सब लोग शाहजहांपुर जा रहे हैं। शाहजहांपुर जी आप भी जा रहे हैं? हाँ, हम भी शाहजहां। बसेस वगैरह तो बंद है? बंद नहीं, बताया चल रही है। चल रही है? हाँ। गाँव जाके क्या करेंगे? सरकार ने तो कहा है कि रुकिए आप लोग, लॉकडाउन है, क्योंकि अगर ऐसे रुके नहीं, आप लोग युवा हैं, समझदार हैं, तो बीमारी गांव में भी पहुंच सकती है। अगर मान लो आप में से कोई इन्फेक्टेड हुआ और आप में गांव पहुंच गया, तो गांव में भी पहुंच जाएगा, तो इसलिए तो अभी तो रुकना चाहिए। यहां बहुत दिक्कत हो रही है खाने। क्या दिक्कतें हो रही है? खाने पीने की टेंशन हो रही है। खाने पीने की दिक्कतें हो रही है, लेकिन सरकार ने तो मना किया कि नहीं जाना? मना के तो जी सर, लोग वहाँ पे भूखे ऊपर पड़े हुए हैं, अभी तक खाना नहीं मिला है, 2 दिन हो चुके हैं। 2 दिन से खाना नहीं मिला, तो मजबूरी सामने है, तो जाना तो है वहाँ तक। कब तक भूखे पड़े रहेंगे? सीलमपुर में? सीलमपुर में भोजन नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा था, इस वजह से आ रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जहाँ पे हैं वहीं बने रहें, तो बताओ भूखे कब तक रहेंगे? 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, कहाँ तक भूखे रह करेंगे? कुछ लोग हैं जो दिल्ली पुलिस और तमाम लोग खाना वाना भी खिला रहे हैं। हम लोगों को अभी तक कुछ नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला है। कुछ और लोगों से बात करते हैं, कुछ युवा साथी। आप लोग सब लोग बैग लेके गाँव के लिए निकले हैं? जी। कहाँ रहते हैं? जिला शाहजहांपुर। फिलहाल पैदल हम पिछले 1-2 किलोमीटर से देख रहे हैं, ये लोग पैदल ही आनंद विहार बस स्टैंड की तरफ निकल पड़े हैं। अब देखना ये होगा कि इनको बस मिलती है या इन्हें आनंद विहार में ही रोक दिया जाता है। चलिए आपको आनंद विहार बस स्टैंड का भी नज़ारा दिखाते हैं कि वहाँ क्या हालात हैं, और आनंद विहार बस स्टैंड में वाकई बस चल रही है या सिर्फ ये एक अफवाह है, या इन लोगों की एक मन में जो आस लगी है कि शायद बस चल रही हो, केवल वही मात्र है। आइए। मैं शेखर कपूर लेके आ रहा हूँ प्रधानमंत्री सीरीज 2, शनिवार रात 10 बजे।